आजादी की सांसें लेता हूं मैं। भय गुलाम है मेरा, सत्य से दोस्ती है मेरी, भ्रष्टाचार दुश्मन है मेरा, गहरी है आवाज मेरी, न्याय से नाता है मेरा, हौसला आपका विश्वास है मेरा, बुलंदियां आपकी जीत है मेरी, मैं ही आवाज आपकी, मैं ही आगाज आपका, मैं ही हमदर्द आपका, मैं ही हूं प्यार आपका। और यहाँ इंदौर से पधारे हुए सत्यनारायण जी पटेल, रघु परमार जी और पूरी इंदौर की टीम यहाँ पर इस समय मौजूद है। क्या कैसा लग रहा है था 15 साल वनवास के बाद वापसी हुई और जम्बूरी मैदान पर आप लोगों को? मध्य प्रदेश में वापस फिर से कांग्रेस की वापसी 15 साल में हुई है। मैं मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता, जनता और समस्त नेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो अवसर आज मिला है मध्य प्रदेश की जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, जो अवसर मिला है मैं उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। क्या लगता है आपको 15 साल में जो अरमान आपके अधूरे रहे हैं, जो आपके काम नहीं हो पाए हैं, क्या आपको लगता है कमलनाथ जी के नेतृत्व में वो तेजी आएगी और उस तरह से आपका विकास जिस तरह से आप चाहते थे वो हो पाएगा? निश्चित ही राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और कमलनाथ जी, सिंधिया जी, दिग्विजय सिंह जी और सभी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में बहुत बड़ा चेंज आएगा, जो जनता की और किसानों की, नौजवानों की, मजदूरों की जो बात है हित की, वो हित के निर्णय अभी वर्तमान में सेतानों की विचारधारा थी, आज से साधु की विचारधारा काम करेगी मध्य प्रदेश में। आदरणीय, अभी क्या स्थिति आप लोगों को जाने अंदर जाने की? हम अंदर, हम खुद ही नहीं जाते, खड़े हैं, हम व्यवस्था देख रहे हैं। रघु परमार जी हमारे साथ हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं 15 सालों के बाद? 15 सालों के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है, अति उत्साह है, क्योंकि एक पीढ़ी ने सत्ता नहीं देखी थी, आज सत्ता देख रही है। और जो ये परिवर्तन मध्य प्रदेश में हुआ है, ये आम जनता का परिवर्तन है और आम जनता जो उत्साह आप देख रहे हैं लोगों में, ये जनता के प्रति कांग्रेस में विश्वास है, इसलिए आम जनता यहाँ पर आज मौजूद हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रघु परमार जी और यहाँ प्रदेश भर से नहीं देश भर से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, कांग्रेस के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। और ये जो वनवास खत्म हुआ है, एक तरह से जो लगाम लगा है भारतीय जनता पार्टी की विजय पर, वो लगाम यहाँ मध्य प्रदेश को माना जाए, छत्तीसगढ़ को माना जाए और अगर माना जाए तो राजस्थान से ये लगाम राहुल गांधी ने जो हिंदुत्ववादी एजेंडा अपनाया। और वैसे भी कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में जिस मुख्यमंत्री ने यदि एक बार सिंहस्थ का आयोजन करवाया है तो वो उस पर फिर पदस्थ नहीं रह पाया है और यही शायद फैक्टर इस बार काम कर गया। और शिवराज सिंह चौहान को सिंहस्थ अपने पद से बाहर होना पड़ा और आज ये जो